जय संतोषी माँ। भक्तों, सभी को खुशियाँ प्रदान करने वाली संतोषी माता बड़ी ही कल्याणकारी देवी है। माँ की महिमा बड़ी ही महान है। जो भी सच्ची निष्ठा से माँ संतोषी की भक्ति करता है, माँ उसे सदैव के लिए सुखों से भर देती है। और माता अपने भक्तों को कभी खाली नहीं जाने देती, उनकी झोलियाँ भरती हैं और उनका कल्याण करती हैं। आइए सुने ऐसी माँ की पावन कथा। तो बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माँ संतोषी। माता संतोषी करे कल्याण। माता संतोषी करे कल्याण। माता संतोषी करे कल्याण। माता संतोषी करे कल्याण। पावन नाम है मैया जी का। पावन नाम है मैया जी का। महिमा बड़ी महान। माता संतोषी करे कल्याण। माता संतोषी कल्याण। आइए भक्तों, हम तुम्हें माँ संतोषी की कथा सुनाते हैं। माता धन यश सुख वैभव देती हैं और अपने भक्तों को कभी खाली नहीं जाने देती। माता की महिमा अपरंपार है, यह सबका कल्याण करती है। तो आइए भक्तों, माता की कथा हम सब प्रेम पूर्वक सुनते हैं। आइए कथा को सुनते हैं। माँ की महिमा है निराली, सुखों को देने वाली। सुख और धन देती है मैया मेरी संतोषी माँ। सुख और धन देती है मैया मेरी संतोषी माँ। निष्ठा से जो भी मनाए मैया से सुख सब पाए। संतोषी धैर्य देती भव से ये पार लगाए। संतोषी धैर्य प्रारंभ होती है। एक गांव में बुढ़िया थी जिसके 7 पुत्र थे। वह बुढ़िया अपने 6 बच्चों को अति प्रेम और स्नेह करती थी और बेरोजगार होने के कारणवश सबसे छोटे बेटे को प्यार नहीं करती थी। माँ होते हुए भी वह ऐसा व्यवहार करती थी जो कि बड़ा दुखदायी था। तो आइए कथा सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। पुत्रों से लाड लड़ाती, छोटे सुत को ठुकराती। झूठन वो उसे खिलाए, झूठा ही प्रेम निभाए। झूठन वो उसे खिलाए, झूठा ही प्रेम निभाए। पुत्र छोटा ये समझे माता मुझे स्नेह है करती। लेकिन उसकी पत्नी तो रोज ही देखा करती। लेकिन उसकी पत्नी तो रोज ही देखा करती। सास के इस व्यवहार से वो तो रहती थी परेशान। माता संतोषी करे कल्याण। माता संतोषी करे कल्याण। माता संतोषी करे कल्याण। माता संतोषी करे कल्याण।
की पत्नी अपनी सास के इस भेदभाव को देखकर दुखी होती है। वह सोचती है कि माँ अपने सब बच्चों के भोजन करने के पश्चात उनकी जूठन छोटे पुत्र को क्यों देती है, आखिर उसका क्या कसूर है। तो आगे क्या हुआ भक्तों, कथा में सुनते हैं, आइए प्रेम पूर्वक सुनिएगा। एक दिन फिर ऐसा आया, पत्नी ने सब बतलाया, बेटे ने बात न मानी, पत्नी पर क्रोध जताया। बेटे ने बात न मानी, पत्नी पर क्रोध जताया। वो तो था भरम में भूला, सच को था ना पहचाना, इसका मैं पता लगाऊं, तब उसने मन में की जली कटी सुनकर बेटे को दुख पहुंचा। उसकी मंशा पूर्ण तब हो गई जब एक दिन घर में एक उत्सव मनाया गया। उसकी माँ ने 6 बेटों को जिमाया, छोटे पुत्र ने बीमारी का बहाना बनाकर तब माँ से भोजन खाने को मना कर दिया। लेकिन उसने चुपके से झूठन परोसते हुए माँ को देखा और उसे दुख पहुंचा। तब वो आमा से बोला, मैं तो परदेश जाऊं, कमाना धन मुझको है, दशा ये सह ना पाऊं। कमाना धन मुझको है, दशा ये सह ना पाऊं। माँ फिर क्रोध में बोली, जो तेरी मर्जी कर ले, मुझको इससे मतलब क्या, तू इच्छा पूरी कर ले। मुझको इससे मतलब क्या, तू इच्छा पूरी कर ले। कर ली सब तैयारी उसने, कर ली सब तैयारी उसने, बांध लिया सामान। माता संतोषी करे कल्याण, माता संतोषी करे कल्याण, माता संतोषी भक्तों। सामान लेकर जब वह घर से निकला तब उसने सोचा, क्यों ना पत्नी से मिल लूं। जब वह पत्नी के समीप पहुंचा तो वह गोबर लीप रही थी। उसने अपने परदेश जाने की बात कही। पहले तो वह ना मानी, लेकिन शीघ्र ही राजी हो गई। तब पत्नी ने कहा, अपनी कोई निशानी तो दे दो। तब पत्नी ने उसकी कमर पर गोबर की छाप दे दी और मुस्कुराकर उसे घर से विदा किया। अब सुने आगे क्या हुआ। बेटा वो शहर में पहुंचा, काम के लिए वो भटका, किसी ने फिर न जानी, आंख भरना है देखा। किसी ने फिर न जानी, आंख भरना है देखा। विनय करता वो प्राणी, किसी ने बात न मानी, काम उसे मिलता नहीं था, थी कैसी कर्म कहानी। कहानी
10 दिनों तक रोजगार के लिए भटकता रहा। भूख प्यास से तन निर्बल हो गया। तब वह एक साहूकार की दुकान के निकट पहुंचा। साहूकार ने जब उसकी दशा देखी तो उसे दया आ गई। साहूकार सोचने लगा कि मैं इसकी मदद कैसे करूं और उसके दुख दूर कैसे करूं। तो आइए भक्तों, आगे क्या होता है आगे सुनिए। सेठ ने जब उसे देखा, उसके दुख को था समझा, पास में अपने बिठाया, भोजन पानी करवाया। मनशा को जाना, काम पे उसको लगाया, अपना मुनशी था बनाया। काम पे उसको लगाया, अपना मुनशी था बनाया। रोजगार पाकर बेटे के मुख पे थी मुस्कान। माता संतोषी करे कल्याण, माता संतोषी करे कल्याण, माता संतोषी करे कल्याण, माता संतोषी करे कल्याण। भक्तों, सेठ ने उसे अपनी दुकान पर काम दिया। काम करते उसे वहीं 4-5 महीने बीत गए। वह कार्य में कुशल हो चला था। सारी दुकान को वह स्वयं ही चलाने लगा और बाजार में उसकी अच्छी पहचान भी बन गई थी और मान सम्मान भी बढ़ने लगा। इधर उसकी पत्नी की क्या दशा थी ये भी सुनिए भक्तों, आइए सुनते हैं। सास उसको थी सताती, घर का सब काम कराती, जूठन की रोटी देती, हर पल थी उसे रुलाती। जूठन की रोटी देती, हर पल थी उसे रुलाती। आँखों से बहता पानी, कैसी थी कर्म कहानी, नारियल के खोपर में मिला करता था पानी। हाय पत्नी, सास, जेठ, जेठानी के ताने सहकर अपने दिन गुजार रही थी। एक दिन आया जब वह लकड़ी का गट्ठर सर पे रखकर घर को लौट रही थी। तब उसने कुछ स्त्रियों को व्रत पूजा करते हुए देखा और उसने उन स्त्रियों से पूछा कि ये क्या कर रहे हो। आइए आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। तब उसने व्रत को जाना, विधि क्या है पहचाना, नियम माँ का समझाया, व्रत संतोषी माँ का बताया। नियम माँ का समझाया, व्रत संतोषी माँ का बताया। करता जो विधि से पूजा, उसे सुख सारे मिलते, पति परदेश से लौटे, फूल बगिया में खिलते। पति परदेश से लौटे, फूल बगिया में खिलते। माँ संतोषी कृपा करती, माँ संतोषी कृपा करती, हो जाता कल्याण। माता संतोषी करे कल्याण, माता संतोषी करे कल्याण, माता संतोषी करे।
व्रत करने वाली स्त्रियों से उसने जाना कि संतोषी माता की कृपा से रूट कर गया पति पते से वापस आता है, मुकदमे में जीत होती है और सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। उन्होंने विधि अनुसार उसे 16, 11, 7 शुक्रवार तक व्रत रखने को कहा और उद्यापन करने का नियम भी समझाया। भोजन में सात्विक आहार लेने को कहा एवं खट्टा पदार्थ त्यागने को कहा। मन में तब इच्छा जागी, मैं भी इस व्रत को साधू, पति की सुखद कामना संतोषी मां से मांगू। पति तेरा कल आएगा, उसे सब था समझाया, विनय कर अर्जी लगाओ, पूजा कर मां को मनाओ, नियम सारे ही निभाओ, मां से सुख सारे पाओ। पत्नी ने व्रत साधने की इच्छा मन में लाई तो माँ संतोषी ने कृपा की तो उसके पति के मन में भी यही इच्छा जागृत हुई। तब उसे स्वप्न में माँ संतोषी के दर्शन हुए और उसने सेठ से घर जाने के लिए छुट्टी मांगी। उसकी विनय पुकार सुनके उसके मालिक ने उसे अवकाश दे दिया, अतः एवं वह अब अपने घर की ओर चल पड़ा। आगे सुनिए। स्वप्न पत्नी को आया, माँ ने सब उसको बताया, पति तेरा कल आएगा, उसे सब था समझाया। पति तेरा कल आएगा, उसे सब था समझाया, तीन गठरी तू लाना, एक मंदिर में रखना, दूजी रखना जंगल में, तीसरी घर ले जाना। घर लौट आया, एकाएक द्वार से आवाज आई, सासू माँ भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। यह स्वर सुनकर जब उसने देखा तो अपनी पत्नी को ही ना पहचान सका। उसने अपनी माँ से पूछा कि यह कौन स्त्री है। उसकी माँ ने बताया, यह तो तेरी पत्नी है। फिर वह बहुत क्रोधित हुआ। माँ ने उसको बतलाया, यही है पत्नी तेरी, जिसे तू छोड़ गया था, तू रिश्ता तोड़ गया था, जिसे तू छोड़ गया था, तू रिश्ता तोड़ गया था। आज ये बैठ के खाती, काम ये कुछ ना करती, द्वार पे आ चिल्लाती, मूंग छाती पे दलती, कल्याण।
दशा देखकर उसे अपनी माँ पर क्रोध आया, उसे अपने भाई और भाभी पर भी क्रोध आया। तब वह अपनी माँ से अलग होकर रहने लगा। इस पर भी उसकी माँ का हृदय न पसीजा। उसकी माँ, भाई भाभी अब उसके अमीर होने से जलने लगे। पति पत्नी सुख पूर्वक जीवन जी रहे थे। एक दिन पत्नी ने पति को अपनी इच्छा प्रकट की। तो आइए भक्तों आगे की कथा सुनते हैं। सुनो भरतार हमारे, काज मैं एक करूंगी, जो मैंने व्रत साधे थे उद्यापन उनका करूंगी। मेरी संतोषी माने मुझे सुख सब लौटाए, उन्हीं की कृपा बरसी तभी दिन ऐसे आए। उन्हीं की कृपा बरसी तभी दिन ऐसे आए। धन्यवाद बे माँ का करूंगी, धन्यवाद बे माँ का करूंगी, किए है पूरन काम। माता संतोषी करे कल्याण, माता संतोषी करे कल्याण, माता संतोषी करे कल्याण, माता संतोषी करे कल्याण। तो भक्तों, पत्नी की ऐसी इच्छा जानकर उन दोनों पति पत्नी ने व्रत के उद्यापन की सारी तैयारी कर ली। किंतु जेठानी ने अपने बालकों को सिखाकर भेजा कि भोजन में खट्टे पदार्थ जरूर मंगाना, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूर्ण हो, और अपनी माँ के कहे अनुसार उन्होंने वैसा ही किया। तो सुनो भक्तों आगे क्या होता है। लड़कों ने खट्टा मंगाया, सभी वो जिद पे आए, उन्हें जब ना मिला तो वो बाहर जाकर फिर खाए। उन्हें जब ना मिला तो वो बाहर जाकर फिर खाए। माँ को तब रोष था आया, उद्यापन सब ठुकरा, सैलाब है आया। समय का पहिया घूमा, दुख का सैलाब है आया। संतोषी माता के क्रोध से, संतोषी माता के क्रोध से बिगड़े सारे काम। माता संतोषी करे कल्याण, माता संतोषी करे कल्याण, माता संतोषी करे। तो माँ संतोषी क्रोधित हो गई और पति पर चोरी का आरोप लग गया, उसे जेल में डाल दिया गया। तब पत्नी ने संतोषी माँ को पुकारा, हे माँ, तुम्हारी कृपा से ही मेरे दिन बदले थे, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। तब उसे माँ ने बताया, तेरी जेठानी के लड़कों ने उद्यापन को भंग किया, जब तूने उन्हें खट्टा नहीं दिया तब उन्होंने बाजार में जाकर खट्टा खाया। उसे तब समझ ये आया, व्रत का फिर नियम निभाया, माँ ने फिर भरे भंडारे, पति घर वापस आया। माँ ने फिर भरे भंडारे, पति घर वापस आया। पूजा मिल कर वो करते, मैया का ध्यान है धरते, गुड़ चना भोग लगावे, सारी ही खुशियाँ पावे। गुड़ चना भोग लगावे, सारी ही खुशियाँ पावे। माँ की कृपा से बन गए, माँ की कृपा से बन गए सारे उसके काम। माता संतोषी करे कल्याण, माता संतोषी करे कल्याण।